बारामूला में हथगोले का धमाका, आम शहरी जख्मी, इलाके में तनाव। लेकिन तनाव की बात करें तो तनाव वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी है और इस तनाव के बीच में साउथ से लेकर नॉर्थ तक कई इलाकों में लोगों में खौफ डर बराबर देखा जाता है। ताहम अब हम सियासत की बात भी नहीं बल्कि हम हालात की वाकात में हम करप्शन की बात करते हैं और हमारे इंजीनियर्स की बात करते हैं। कहते हैं कि इंजीनियर शौचालय में भी शौचाल चल सकता है। स्वच्छ भारत की शौचालय में इंजीनियरों ने ऐसी चाल चली कि मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंचा है और क्राइम ब्रांच तहकीकात करते हुए ये भी बताया जा रहा है कि पिट तो बनाने थे लेकिन एनजीओ के साथ मिलकर पिट ही गायब कर दिए और इंजीनियरों ने ऐसा काम किया कि किसी को पता भी नहीं चल सका कि पिट बने हैं या नहीं बने हैं। ये एक पहलू, लेकिन इसी खबर का दूसरा पहलू कि एसीबी ने आज श्रीनगर के 9 बाजार के इलाके में छापामारी भी की और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक मुलाजिम के घर पे हुई छापामारी के दौरान बताया जाता है कि तार राजबाग के इलाके से मिलते हुए एक बड़े कम्प्लेक्स के साथ मिल रहे हैं और एसीबी ने आज इस हवाले से छापामारी की। सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है लेकिन ज़रा यही बता रहे हैं कि श्रीनगर के राजबाग इलाके में एक बड़े शख्स के कम्प्लेक्स को लेते हुए तार श्रीनगर के 9 बाजार के इलाके तक पहुंचे हैं और इन्हीं तारों को खंगालते हुए मेरे साथी मीर हिलाल हंजूरी ने बाकी तफसीलात जमा की हैं। देखिए समय इसमें कोई शक नहीं कि अब एंटी करप्शन ब्यूरो और जो क्राइम ब्रांच है उनकी नज़रें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे मरकूज हो गई हैं। न सिर्फ उनकी बल्कि अब पब्लिक की भी नज़रें अब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ एंटी करप्शन ब्यूरो और क्राइम ब्रांच पर मरकूज हो गई हैं क्योंकि अब लोग भी देखना चाहते हैं कि जो कार्रवाइयाँ जो छापामारी हो रही है क्या ये किसी नतीजे पर पहुँच जाएगी या कि फिर ये मामले भी कहीं ना कहीं गायब ही हो जाएंगे क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट लोगों के अंदर काफ़ी देखा जा रहा था। जहाँ 2 दिन पहले ही जो क्राइम ब्रांच ने पहले FIR दर्ज की और के साथ साथ अब जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है क्योंकि श्रीनगर के अंदर जो कुछ पिट्स बनाने थे या उसके साथ साथ जो लैटरिन्स बनाने थी उसको लेकर जो 38 लाख रुपए को लेकर घपला हुआ है क्योंकि माना जा रहा है किसी एनजीओ के खाते में वो डाली गई हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो ढांचे कहीं पर बने ही नहीं। लेकिन उसके साथ साथ आज श्रीनगर के अंदर जो 9 बाजार का इलाका है वहाँ पर भी छापामारी हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग जो है एक घर में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर काम कर रहा था और माना जा रहा है कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर की हैसियत से वो काम कर रहा था और उन्हीं के घर पर आज छापामारी हुई है। कुछ दस्तावेजात वहाँ पे चेक किए गए, पूछगछ की गई है और बाज़ उनका मानना है कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है और जो खबरें हमें मिली हैं उसके मुताबिक वहाँ से 2 लड़कियाँ भी जो है हिरासत में ली गई हैं। ताहम उनकी रिलेशन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया जाता है कि उस शख्स के साथ उनकी रिलेशन क्या है लेकिन इतना ज़रूर है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज भी वहाँ पर छापामारी की है और उनसे पूछगछ की है। लेकिन ये पूछगछ क्या आप किसी नतीजे पर पहुंच भी जाती है, अब सबकी नजरें इसी पर मरकूज हो गई हैं। यह खबर इंजीनियर्स की, लेकिन हमारा शोबे तिब्बी किसी से कम नहीं है। वादी लोलाब का दीवर का गांव है, 3 साल पहले वहां के सब सेंटर को अपग्रेड करते हुए वहां उसको NTPHC बनाया गया है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, बिल्डिंग भी बनाई और बिल्डिंग किसी हद तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही है लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे एक्सरे प्लांट भी ख़रीदा गया, USG की मशीन भी खरीदी गई, लेबॉरटरीज़ का सामान भी ख़रीदा गया, अल्ट्रासाउंड भी ख़रीदा गया और ये सब चीज़ें करोड़ों रुपए की ख़रीदारी करने के बाद वहाँ स्टाफ भी डिप्लॉय किया गया। कायदे और कवानीन के मुताबिक इस वक्त वहाँ 16 मेडिकल के साथ वाबस्ता जुड़ा स्टाफ है जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिक्स भी है, स्टाफ नर्सेज भी हैं, ये सब लोग हैं वहाँ से और ये 16 लोगों में NRHM स्कीम के तहत भी वहाँ पे मुलाजिम तैनात हैं। लेकिन अस्पताल का रेवेन्यू जो है वो पिछले 3 सालों के दौरान 1 रुपया भी नहीं बढ़ सका है, कुछ रेवेन्यू वहाँ पे नहीं है और उसकी तस्दीक वहाँ के BMO भी कर रहे हैं और माना यही जा रहा है कि 3 साल पहले अपग्रेड किए गए इस सारे मामले को MHAN में हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो भी गौर से देख रही है और हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से यही मालूम होता है कि पिछले 3 सालों से इस अस्पताल को ना मिले किसी भी रेवेन्यू से, यानी वहाँ से कोई भी OPD टिकट ना बिकने की वजह से अब मिनिस्ट्री ये भी सोच रही है कि जब इस अस्पताल में किसी पेशेंट को देखा ही नहीं जाता है तो वहाँ इतना स्टाफ रखने की क्या ज़रूरत है, क्यों नहीं इसको अपग्रेडेशन को ख़त्म ही किया जाए।
ये एक पहलू, लेकिन असल कहानी दूसरी है। वहाँ किस बीमार को देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ के पोस्ट जो क्रिएट हुए हैं उन पे जो डॉक्टर्स को तनख्वाह दी जाती है, वो डॉक्टर वहाँ कभी नहीं गए हैं, वो दूसरे इलाकों में अटैच रखे गए हैं। वहाँ का जो पैरामेडिक्स है उनके साथ भी ऐसा किया गया है, और वहाँ कोई भी एक शख्स के बगैर, डिपार्टमेंट के एक शख्स के बगैर वहाँ कोई भी किसी को भी डिप्लॉय नहीं किया गया है। और जब वहाँ पर कोई होगा नहीं तो वहाँ OPD टिकट्स कौन लेगा, कौन वहाँ पर इलाज कराएगा? करीबन 15,000 की आबादी वाला ये इलाका हस्पताल की फैसिलिटीज़ न होने की वजह से काफ़ी परेशान है। वहाँ के मुकामी लोग किस तक बात पहुँचाएँ, बात मीडिया तक ही पहुँचा सकते हैं? और जब हमने गौर से देखा तो वहाँ बहुत कुछ है, लेकिन मामले में किसी ने आज तक गौर नहीं किया। और अब बना यही जा रहा है कि शायद जल्दी उस हस्पताल की जो अपग्रेडेशन हुई है उसको ख़त्म किया जाएगा, यानी और एक और मुसीबत हो जाएगी। लेकिन उसमें आम लोगों का, वहाँ के लोगों का क्या कसूर? BMO सोगाम से भी हमने इस हवाले से बात की, थोड़ी सी हम जो आपसे उनसे हुई गुफ्तगुनीद भी आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि जो आपका ये हॉस्पिटल जो है उसका वो 3 कमरे कुल है ना, जो एक्सरे लाया हुआ है वो भी इसी तरह है, क्योंकि एक्सरे के लिए कम से कम दो ढाई कमरे जरूरत पड़ता है सर। एक में आपका वो रहता है, दूसरे में आपका वो CSR एरिया रहता है, तो जिससे में टेक्नीशियन वो जो है उसके लिए डार्क रूम तो खैर जरूरत नहीं है सर। उसको एक ये जरूरत पड़ता है, तो इसके लिए कम से कम ढाई कमरे जरूरत पड़ता है। हमारे पास वहाँ 3-3.5 कमरे कुल है जी। तो इसलिए वो मशीन वहाँ इंस्टॉल्ड है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो दिवर में आपने डॉपलर भी लाया है, USG डॉपलर है, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, लैब है, ये सब कुछ है, अगर ये सब कुछ है उसके बावजूद भी वहाँ फंक्शनल नहीं है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री इसका जो सब यहाँ पे जो मनाया NTPIC है इसको डिग्रेड कर रही है, आफ्टर 3 साल के बाद डिग्रेड हो जाती है ना, तो सर वहां से तो नोटिस निकल रहा है कि आपका NTPIC खत्म हो जाएगा इस साल। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, मैं गाइडलाइंस की बात कर रहा हूँ, एज पर गाइडलाइंस, क्योंकि 3 साल के बाद अगर वहाँ रेवेन्यू नहीं आ रहा है, आपका 10 लाख रुपए पर मंथ वहाँ पे स्टाफ की सैलरी है, दूसरी चीजें हैं, और उसके बाद आप इस वहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आता है। देखिए चीजें ना, वहाँ सबसे बड़ा मसला है जो है वो हॉस्पिटल बिल्डिंग का मसला है सर। देखिए अगर हमारे पास 3.5 कमरे वहाँ पर कुल है, तो हम एक में इम्यूनाइजेशन रखते हैं, एक में आउटडोर देखते हैं, एक में मशीन फिक्स किया हुआ है, तो हमारे पास लैब रखने के लिए, बाकी चीज रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। नया PHC बन रहा है, वो वार फिटिंग बेस पर बन रहा है, उसका क्या कहता है, तो जल्दी जब वो तैयार हो जाएगा सर, तो सब कुछ फंक्शनल तो हो जाएगा। सर 246 पेशेंट्स वहाँ के हैं जो लिवर एक्यूट लिवर कोई इन्फेक्शन सिंड्रोम वगैरह कुछ है वहाँ पे, ये 246 पेशेंट्स हैं। इसमें ऐसा है कि देखो जो हेपेटाइटिस का मसला है ये, तो इसमें वो क्या कहते हैं PHC के लिए तो कोई ज्यादा ये नहीं है, इसमें जो है बड़े इंस्टीट्यूशन में इलाज करना होता है इनको, PHC पर तो इनको कोई खास इलाज नहीं करना होता है। अलबत्ता इतना है कि ज्यादा से ज्यादा उनका जो ये पेशेंट्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं, सोगाम में आते हैं, हम उनका जो मुनासिब इलाज होगा सर, वो कर दे देते हैं। सर यहां से और कोविड की वजह से ऐसा है ना, देखें ऐसा मसला ऐसा होता है कि देखें हमारे 4 डॉक्टर जो है वो PG करने के लिए चले गए सोगाम से, हाँ उसके बदले तो कोई नहीं आया, 4 डॉक्टर गए हमारे। ये दिवर जो पोस्टेड डॉक्टर से वहीं गए हैं या कोई और डॉक्टर गए हैं सर? नहीं नहीं नहीं, डिवर वाला एक डॉक्टर, मैंने कहा ना हमारे पास डिवर में एक डॉक्टर सुहेल है बस, और कोई पोस्ट। अच्छा और कोई पोस्ट नहीं, सुहेल है वो उधर डायलिसिस करता है। नहीं, लेकिन वहाँ तो 2 लिखे हुए 2 डॉक्टर सैलरी नहीं, डॉक्टर पोस्ट होंगे लेकिन अभी पोस्ट नहीं होंगे, वो वैकेंट होगा। अच्छा पोस्ट वैकेंट है सर। तो सर 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 गवर्नमेंट की स्कीम NHM में यहाँ के लिए मेडिसिन जो आती है 2,75,000 की पर मंथ मेडिसिन जो है वो दिवर सब सेंटर पे आती है, वो कहाँ यूटिलाइज होती है सर? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, 2,75,000 रुपए की। देखो NHM में ऐसा है कि इसको अभी NHM में कोई फंड वगैरह नहीं आया है, SPHC NTPHC दिवर के लिए भी आती है ना सर, लाइफ सेविंग ड्रग्स NHM स्कीम में, तो वो कहाँ जाती है सर? उनमें आती है ना, दे देते हैं। देखिए जिस तरह हमारा एम्लोरोक्सिन आ जाता है, क्या फार्मासिस्ट डायग्नोज कर सकता है वो ड्रग्स, वो प्रिस्क्राइब कर सकता है? नहीं आप देखिए छोटी मोटी चीजें तो दे सकता है, कि ये मिसाल के तौर पर एम्लोडिपिन है, ब्लड प्रेशर की दवा देना है, या ये चीजें तो दे देते हैं, या कोई डॉक्टर लिखता है तो फिर वहाँ से अवेलेबल होगा, वहाँ से दे देते हैं।
सोगाम के बीएमओ से हमारी हुई बातचीत, लेकिन इसी खबर के पस मंजर में हमें दिवर गांव के सरपंच बशीर अहमद खान ने बताया कि उन्होंने सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर वहां पे डॉक्टर्स को पोस्ट नहीं किया गया, वहां बाकी जो फैसिलिटी सरकार ने दे रखी है उनको रेस्टोर नहीं किया गया तो इलाके की पूरी पंचायत वहाँ इस्तीफा दे देगी। ये दिवर लुलाब के सरपंच बशीर अहमद खान ने हमें बताया है। लेकिन और पहलू हुए रियासत में और ट्रायल रन की बात भी की जा सकती है और ट्रायल रन में आज रेल भी चली है। कोविड जब हुआ था तब बानिहाल से लेकर बारामूला तक की रेल सर्विस को मुअत्तल करना पड़ा था, मुअत्तल हो गई थी, तब हालात ही ऐसे थे। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर शुरुआत कहीं की गई, कहीं न कहीं से एक बार फिर राहत की सांस दिखाई दे रही है कोविड से, और उसके बाद अब रेल सर्विस को दोबारा चालू किया जा सकता है। फिलहाल अहदेदार यही बता रहे कि ट्रायल रन है, देखा जा रहा है कि पटरी कहीं से पटरी की क्या हालत है, रेल के डब्बों को जंग तो नहीं चढ़ा है, ये सब कुछ जांचने और परखने के लिए ट्रायल रन है। आगे ट्रेन कब शुरू की जाएगी इसके लिए फिलहाल वक्त नहीं है, लेकिन शुरुआत कहीं न कहीं एक नई आगाज़ की शुरुआत दोबारा हुई है।